मैं कुलदीप सिंह पी एच ई वर्कर यूनाइटेड फ्रंट बनी मैं एक चीज ये साफ बोलना चाहता हूँ बीजेपी वालों ने कभी नासूर कहा दिया कि ये हमें नासूर लगाए कभी पाप की घंटी लग गई है मैं इनको बोल देता हूँ कि हम नासूर आपको लगेंगे अब लास्ट में हम आपको नासूर लगे पाप की घंटी आपके गले में होगी डोर इंट्री तो बैक डोर इंट्री अब होगी डेली विजर बिगड़ गया तो अब देखना कि बीजेपी सरकार लखनपुर के पार ये होगा तो होगा ये मैं कुलदीप सीपी पी वर्कर बनी सब डिवीजन से बोल रहा हूँ काम कर रहे हैं आज तक और यही पूरी लाइनें चला रहे हैं ये मैं तो कहूँगा कि पीएच डेली वेजर्स एक बार फिर सड़क पे और इनके साथ जो है इस वक्त बराबर कानधे से कांधा लगाकर पिया पी आर इसके सरपंचज़ भी तहसील बनी के खड़े हो चुके हैं इनका जो रोजमर्रा के मसाइल हैं बहत्तर महीने की तनख्वाह इतनी बड़ी दुर्दशा है अगर हम बोलें तो करैक्टर ढीला सरकार के इतने बड़े बड़े दावे हैं इतनी योजनाएं हैं इतना पैसा है तो क्यों इन गरीबों की उजरत नहीं दी जा रही है सरपंच साहब से शुरू करेंगे हम क्यों ये इनको सताया जा रहा है रगड़ा जा रहा है जहाँ भी देखो गरीबों की कोई सुनवाई नहीं है और दावे जो है मीडिया में नेशनल टीवी पे बीजेपी सरकार के कि हम जी दूध की नदियाँ बहा देंगे हमने जी सबका साथ सबका विश्वास विकास किया है तो कहाँ है वो ग्राउंड पे क्यों नहीं है वो शुक्रिया सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हर वक्त हमारी कवरेज करते हैं आज जो यहाँ पे हमारे पी एच ई डेली विजिट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट उनके साथ हमारे नायब सरपंच साहब बनी के सरपंच चांदल मैं अपनी तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार गुज़ार हूँ आपने जो यहाँ पे टाइम निकाल के आए मैं देखिए ये पी एच ई का मसला एक बहुत ही मेजर इशू बन चुका है अगर गवर्नमेंट ने इनको परमानेंट नहीं किया सही पगार नहीं दी तो आने वाले टाइम में पूरा डिपार्टमेंट फेल हो जाएगा और लोगों को बहुत ही मुश्किल आने वाली है मेरे साथ मन्हा साहब हैं तो ये भी बताना चाहेंगे कि किस तरह से इतनी परेशानी उठानी पड़ रही है क्या बताएंगे सर मैं रणबीर सिंह मन्हास पी एसोसिएशन बनी मैं सबसे पहले अपने सरपंच साहिबान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कुछ सुंदरौन के सरपंच उत्तम जी जी हमारे रोशन जी जे हमारे जसवंत जी बनी के नायब सरपंच हैं हमारे जे साथ में हमारे साथ लोकल और भी खड़े हैं साथ में ये हमारे सब यहाँ हमारी मदद के लिए तैयार हैं तो गवर्नमेंट के हम आए दिनों रोज आवाज उठाते हैं, वे हैं कुछ नहीं है तो क्या आखिरकार गवर्नमेंट क्यों मजबूर कर, तो कर रही है आपको कि ऐसा स्टेप उठाएं जो गवर्नमेंट के खिलाफ हो समाज के खिलाफ हो क्यों मजबूर कर रही है ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना जो क्यों इतना ये लेट कर रहे हैं मुझे पता नहीं है जे परमानेंट करने ही पड़ेंगे इनको जे करेगी या दूसरी गवर्नमेंट करेगी जो इनका काम है अभी जे पिछले ने भर्ती किया तो फ्री मुलाजिम मिले थे इस गवर्नमेंट को आज इनको परमानेंट मुलाजिम भर्ती करना हो तो साठ हजार से नीचे कोई नहीं होगा तो ये हमारा यूनियन मसला है बहत्तर महीने की पेंडिंग तनख्वाह पड़ी है हमारी बाईस बाईस तेईस तेईस साल के लड़के जो है सियाने हो गए हैं आप वो काम कर रहे हैं तो गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारे जितने भी मसले हैं हल होने चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को बीजेपी गवर्नमेंट है इसके अंडर गवर्नर हैं सब कुछ इन्हीं के देख रेख में सारा काम चल रहा है तो इनको चाहिए कि हमारा मसला जल्दी से जल्दी हल होना चाहिए लोग भी सफर हो रहे हैं हम भी सफ़र हो रहे हैं हमारी ऐजें भी बढ़ रही हैं हम परिवार भी हमारा सफर हो रहा था जो गवर्नमेंट को देखना चाहिए सर कि इन्होंने करना जो जिसकी मौजूदा गवर्नमेंट होती है सेंटर में हो या स्टेट में हो या कहीं भी हो उनको सोचनी चाहिए ये ये बात तो जे मुझे ये इस बात में मैं बहुत परेशान हूं कि ये डिसीजन क्यों नहीं ले रहे हैं इनको क्या हो रहा है कि डिसीजन लेने में इनको क्या होता पहले भी तो सात साल लगा कर डेली बेजर परमानेंट हुआ करते थे आज आज भी तो वही बाई बाईस हो गए चौरानवे से के आज तक इनके पास कोई एस आर नहीं बना गवर्नमेंट है सब आई कांग्रेस की आई पीडीपी की आई बीजेपी की पॉल्यूशन गवर्नमेंट आई एन की गवर्नमेंट आई इनको दुश्वारी और दिक्कत क्या है कि ये गरीब आदमी का काम नहीं करते ये तो अंग्रेज आज चल रहा है हिंदोस्त में ये अपने मनमानी करती है जो भी गवर्नमेंट आती है अपनी मनमानी करती है हमारा मसला, जैन मसला जायज मसला दिन रात काम करते हैं हम इन लोगों के लिए और ये पेंच सरपंच हमारे यहाँ सर कुछ जानते हैं कि ये ईमानदारी से पेंच सरपंच साहब हम काम करते हैं या नहीं करते अंग्रेज तो जो इंडिया पे कब्जा करके दुर्दशा उन्होंने बहुत झंझोड़ा और यहाँ को जो सोने की चिड़िया थी होंगे वो तो गए लेकिन जो ये कौन से अंग्रेज है अब ये समझ नहीं आ रही वो अंग्रेज तो निकल गए अंग्रेज मैं साफ बोलना चाहता हूँ ये काले अंग्रेज है हम काले इंग्रेज, काले इंग्रेज, और इनकी आवाज एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने के लिए तैयार है अगर एडमिनिस्ट्रेशन इनका मसला हल नहीं करती है तो हम भी जितने भी पंचायत के पी आर आई है बी डी सी है डी डी सी है वो सब हम इनके साथ हड़ताल पे बैठने के लिए तैयार है जब तक इनका मसला हल नहीं होगा तो हम कभी हड़ताल छोड़ने वाले नहीं हैं और साथ में ही हम यही डिमांड रखते हैं कि इनको जल्दी से जल्दी परमानेंट किया जाए और हमारे लोगों के जितने मसले हैं वो हल किए जाएँ मैं आपकी मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ और आज की जो जम्मू कश्मीर की जो गवर्नमेंट है गवर्नर तानाशाही है ये चाहे कोई भी है चाहे मजदूर है चाहे वो नीडेड बेस पे डेली विजर हैं ये डेली वीजर गवर्नमेंट ने ही भर्ती किए थे 2014, हज़ार हज़ार चार और पाँच में तो ये साठ साठ या सत्तर साठ जो डेली विजर है चाहे वो पी में है चाहे वो पी डिपार्टमेंट में है यही हाँ लोगों को सरवा सर्विस पूरी दे रहे हैं तो कहने का मतलब है कि अगर पी है चाहे पी डी, -डी डिपार्टमेंट है जम्मू कश्मीर में इनका बहुत ही बड़ा एक मुद्दा है बहुत ही बड़ा एक जैनून मसला है जो गवर्नमेंट इनको नज़रअंदाज कर रही है बार बार और गवर्नमेंट का एक तरफ से कहना है कि हम जो भी डेली वीजर है उनको हम परमानेंट करेंगे आज मुझे दिख रहा है कि जो भी डेली विजर है शायद उनके घर में जो बच्चे हैं वो भी उनको भी आ, दो टाइम का खाना नसीब नहीं हो रहा है क्योंकि उनको पूरा फ़ख्र था उनको पूरा विश्वास था कि हमारे फादर साहब जो हैं वो एक ना एक दिन परमानेंट होंगे लेकिन आज की डेट में कोई चुंजा साल का हो रहा है कोई साठ साल का हो रहा है जो घर को खाली हाथ जा रहा है तो बड़ी नाकामी है गवर्नमेंट की गवर्नमेंट को देखना चाहिए सोचना चाहिए इससे साबित होता है कि गवर्नमेंट जो है वो फेल हो चुकी है और गवर्नमेंट को चाहिए कि इन लोगों को आज बहत्तर बहत्तर महीने हो गए इनकी सैलरी नहीं मिल रही है तो जो डे नाइट जो है ड्यूटी दे रहे हैं अपनी सर्विस दे रहे हैं तो इनको आज तक सैलरी नहीं मिल रही है तो इतना गवर्नमेंट घोटाला कर रही है इतना गवर्नमेंट के पास पैसा है वो कहाँ जा रहा है ये लोग पूछना चाहते हैं जनता पूछना चाहती है ये कहाँ जा रहा है जो ऐसा तो इनको जो है सैलरी क्यों नहीं मिल रही है क्योंकि ग्राउंड पे यही काम करते हैं जो डेली रहे है चाहे वो पीएचसी का है चाहे वो पी डी का है तो मैं गवर्नमेंट को एक चेतावनी देना चाहता हूँ कि हम इनके साथ कंधा से कंधा मिला चलेंगे और इनके जहाँ तक भी होगा हम इनके लिए सरनिज़ाम देंगे आज के वक्त में जो गरीबों के साथ हो रहा मानो कि गरीबों के साथ हो रहा है ऐसा हमने कभी नहीं देखा मैं मीडिया के माध्यम से इस सरकार को एक चुनौती देता हूँ कि जो अत्याचार आप गरीबों पे छोटे मुलाजमों के ये पी के जो डेली वेज हैं इनके साथ नहीं जो दूसरे महकमे के अंदर भी डेली भेज रहे हैं उनकी दशा भी ऐसी हो रही है ये एक बेचारा डेली वेजर कुछ बूढ़े हो गए हैं कुछ डेली वेजरों के मुंह में आज मानों के दांत तक नहीं रहा नज़र की कमज़ोरी हो रही है इनको कब परमानेंट किया जाएगा ये कि सरकार क्यों सोई हुई है ये क्या कर रही है जब ये सरकार सेंट्रल की सरकार इतना वायदा करती है कि हम गरीबों के अच्छे दिन लाएंगे सरपंच सब कहें ये तो नहीं है कि इस सरकार का जो है भाजपा सरकार का लोगों से ज़्यादा ईवीएम पे भरोसा है तो क्यों ये लोगों को आप परमानेंट करें हो सकता है शायद उन्हें ये भी अपने आप पे अभिमान हो कि लोगों से हमें कुछ नहीं मिलने वाला हमें मशीन से मिलेगा तो मशीन से ले लें ले फिर इसमें साफ जाहिर होता है कि गरीबों के साथ अत्याचार गरीबों के साथ जुल्म गरीबों के साथ जो सुतम कर रहे हैं जो पूरे जम्मू कश्मीर के मेहमानों के डेली बेजर रहे हैं उनके साथ ऐसा जुल्म हो रहा है छः छः हज़ार रुपये हमारे एस पी ओ बचे नीचे नौकरियाँ कर रहे हैं क्या उन्होंने उनुन, उन्होंने कोई सरकार का बिगाड़ा है वो बराबर सिपाहियों की तरह डटे हुए हैं मोर्चे पे डटे हुए दिन रात मुकाबला कर रहे हैं हर चुनौती का सामना कर रहे हैं तो उनको छः हज़ार मिल रहा है क्या वो आ, उन्होंने कोई जुल्म किया कि एस पी ओ भर्ती हुए और उनको यहाँ से बनी से उठा करके कठुआ में भेज रहे हैं क्या उनके साथ इंसाफ हो रहा है